हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन फिर से। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि थर्ड जो क्वेश्चन आंसर सेशन था आपका लास्ट, उसमें बेसिकली जैसे हमारा रहता है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें जो कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं पूरा पढ़ता हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं कवर करता हूँ ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स। तो आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, 72 कमेंट्स हैं क्या वन डे सेशन 3 में। तो अभी ये सेशन 4, और इसके अंदर आपने नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन कोई करना है तो इसके नीचे कमेंट में लिखें, तो वो आपके नेक्स्ट सेशन में जरूर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कमेंट आया था उसको लेंगे और ट्राई करेंगे पूरा आपका आंसर करने का, हर एक का विद नेम। तो सबसे पहले लक्की स्टूडियो ने कमेंट किया था इस पे कि ड्रोन की देख रेख कैसे करें, इसके बारे में वीडियो बनाइए सर। देखिए, ड्रोन की देख रेख कैसे करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका सुझाव है। तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगा डेडिकेटेड टिप्स के अंदर। ड्रोन टिप्स में मैंने कुछ वीडियो बनाए भी हुए हैं, फिर भी इस तरह से जैसे देख रेख कैसे करें वो वीडियो डेफिनेटली आपका बन जाएगा। और यहाँ पर एक शॉर्ट टिप दे देता हूँ कि देख रेख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो ड्रोन है उसमें होती है बैटरी। तो बाकी सब तो ठीक है, बैटरी में यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बता ही देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है, तो बैटरी का हमेशा आपने ध्यान रखना है। बैटरी को कभी भी आपने पूरा 100% मतलब पूरा निचोड़ के ड्रोन को नीचे नहीं उतारना कि आप कहेंगे मैं पूरा 100% बैटरी है 95 पे नीचे उतारूंगा, गलत बात है। जैसे ही वो आपको अंदेशा देता है, मतलब आपको मैसेज आता है कि 30 पे आप उतार लें, मैसेज आया था ना वार्निंग मैसेज ड्रोन डीजे के ड्रोन में कि इट इज़ नाउ लो बैटरी, 30% या 20% पे वो बोल देता है। उस टाइम आपने उसी टाइम से वैसे ही आपने प्लान करना है कि मुझे 20% पे बैटरी एक चलानी है, उसके बाद उसको नीचे उतारना है और फिर उसको नेक्स्ट न्यू बैटरी आपके पास है तो वो यूज़ करें, ठीक है। तो पहली टिप ये होगी, इससे आपकी बैटरी सही रहेगी। और जो आता ना फूल जाती है बैटरी, कईयों ने मुझे बताया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया, वो तो वो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी और होगी नहीं वो प्रॉब्लम अगर ऐसे करेंगे तो, और आपकी बैटरी की लाइफ ही बढ़ेगी, ठीक है। और नंबर दो, कभी भी गर्म बैटरी को, जैसे आप फ्लाइट से आते हैं बैटरी बहुत गर्म होती है, उसको कभी चार्जिंग में नहीं लगाना, ठंडी करके लगाना, उससे भी आपका स्वेलिंग प्रॉब्लम और लाइफ इंप्रूव होगी। इसके अलावा डिटेल में मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। स्काई डैश एरियल प्रोडक्शन, हेलो सर, फ्यू कंपनीज इंट्रोड्यूस NP-NT मॉड्यूल फॉर एनी टाइप ऑफ ड्रोन, JHONETT टेक्नोलॉजीज ऑफर मॉड्यूल, NP-NT मॉड्यूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज लेट अस इन्फॉर्म सर जी, थैंक्स फॉर द एफर्ट्स। NP-NT नो परमिशन नो टेक ऑफ एक इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो चाहते हैं कि ऐसी ड्रोन्स इंडिया में उड़ें जिनका कंट्रोल अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास हो, वो ऐप से कंट्रोल हो। तो वो ना तो वो अभी तक ऐप आई है। सिंपल क्या था कि जैसे उसमें वो कहते हैं परमिशन ली जाए हमेशा ड्रोन उड़ाने से पहले, अगर वो परमिशन देगी सरकार ऐप के थ्रू तभी आप उड़ाएंगे, नहीं तो नहीं उड़ा सकते, मतलब वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा ड्रोन अगर उन्होंने नो कर दिया, अगर ऐसा कोई एरिया है तो। तो ये सुझाव और ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और जब इम्प्लीमेंट होगा तब मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बना दूंगा इस पर। आशु नेगी जी हमारे बहुत बढ़िया प्यारे सब्सक्राइबर हैं। भाई साहब, चंडीगढ़ के कहीं भी रहने वहीं आएंगे ड्रोन लेने। अच्छा, ये मैंने एक सुझाव पूछा था कि अगर मैं कभी ड्रोन स्टोर खोलता हूँ चंडीगढ़ मोहाली में, तो डेफिनेटली और भी आप सब्सक्राइबर्स थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाएं, और डेफिनेटली जब ऐसा सब लीगैलिटीज़ आ जाती हैं इंपोर्ट वगैरह और सब आसानी से अगर होता है तो डेफिनेटली आई ओपन स्टोर फॉर योर सब्सक्राइबर्स। तो एक तो आपको ड्रोन मिलेगा ट्रस्टेड जगह से, और दूसरा हमारी इंट्रैक्शन फेस टू फेस हो जाया करेगी डेफिनेटली। आप कमेंट बॉक्स में लिखें सपोर्ट करेंगे कि नहीं, जैसे नेगी साहब ने किया। आशु नेगी जी का एक और, मैविटू ब्रू ही तो सेंसर खराब हुआ है। अच्छा, इनका सेंसर खराब है, तो सेंसर्स के ऊपर अगर बात हुई तो मैं बता देता हूँ कि कभी भी आप सेंसर पे रिले करके, मतलब ये भी एक टिप है, उसके ऊपर कभी डिपेंड मत करें सेंसर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर डिपेंड करें, अपनी आंखों को देखें जहां पर आप, और कभी स्क्रीन देख के ड्रोन मत उड़ाएं, अपनी आंखों से ड्रोन को देखें और फिर उड़ाएं, कभी भी आपके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है।
रुद्राकर चेतन जी कह रहे हैं कि थैंक्स मेरा मैसेज बताने के लिए, मेरा मिनी टू बेचना है कॉम्बो पैक। अब मिनी टू आपने ले लिया चेतन जी, अब उसका मैं आपको बता चुका हूँ 15 मीटर के ऊपर उड़ता ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है आपको। फिर भी किसी को अगर लेना है 15 मीटर तक सेटिस्फाई है वो ले सकते हैं। डीजीए ड्रोन प्राइस समझ नहीं आया। सुजीत बर्मन जी आपका प्राइस लो इन इंडिया या ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लो प्राइस पे नहीं मिलते ड्रोन्स, इंडिया में महंगे ही मिलते हैं। मेरे को मैविक एयर 2 लेना है, कहाँ से लेना चाहिए? ऑनलाइन में नहीं मिल रहा, ऑफलाइन में बहुत महंगा है। देखिए मैंने बताया ना, ऑफलाइन हो या जो ऑनलाइन मोड हो, अगर आप डीजीए का ड्रोन लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो महंगा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट से इंडिया में आता है। और मैंने पूरा वीडियो बनाया कि कैसे देखना है कौन सा जेन्युइन डीलर है, फिजिकल डील ही करनी है, ऑनलाइन मत करें, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस पहले मिनडेरिंग डॉग कहते हैं, आई ऑर्डर्ड मिनी टू एंड गेटिंग इट टुमारो, टेल अबाउट द 15 मीटर रिस्ट्रिक्शन, हाउ कैन आई बाईपास? नो बडी कैन बाईपास दैट, सो यू कैन एन्जॉय दैट ड्रोन अप टू 15 मीटर्स ओनली। डीजे टेक कह रहे हैं आप तो शुरू कीजिए, वही उसी की बात हो रही है। एयर टू लेना है, एयर टू अवेलेबल है ओएलएक्स पे, मैंने बताया था काफ़ी लोगों के पास है, आप फिजिकल डील कर सकते हैं। डेस्ट गेमिंग, आई विल कम टू टेक अ ड्रोन फ्रॉम वेस्ट बंगाल बट कंडीशन अप्लाई, प्राइस शुड बी अफोर्डेबल, आई एम वेटिंग फॉर योर स्टोर टू ओपन, थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू फॉर योर वीडियोज, प्लीज डू शेयर हाउ यू मेंटेन द एयर कंट्रोलर। एयर कंट्रोलर पे भी बैटरी का ही सारा मेन मेन, अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो तो प्लीज़ बताएं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें मेन चीज़ बैटरी का आपने वही चार्जिंग वाला हिसाब रखना है, पूरा 100% कभी कंज्यूम नहीं करना। उसमें लाइट्स आती हैं, लाइट्स को देखें, जब वो तीन चार जो लास्ट एक लाइट बचती है तो उस एक लाइट पे मत यूज़ करें, उसको चार्ज करें फुल और तब उठाएं। नंबर टू, उसकी जो स्टिक्स हैं, स्टिक्स पे कभी भी अपना मसल पावर मत लगाएं, बहुत प्यार से उसको यूज़ करें, तो इससे उसकी लाइफ बढ़ेगी। वेरी सिंपल। महान विहायक, यस यस यस, आइए और लीजिए जब खुलेगा। सागर जी कह रहे हैं, हाई ब्रो, इफ डिसाइडेड हाउ विल डीजीआई मेक देयर एग्जिस्टिंग ड्रोन इन इंडिया कंप्लाइंट टू एनपीएनटी, व्हेन मेकिंग एमटी कंप्लाइंट इन इंडिया विल देयर बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंस एंड ऑल दैट, विल एनपीएनटी डिसेबल एनी इंपॉर्टेंट फीचर, ऑल्सो कैन यू एक्सप्लेन वॉट इज जियो फेंसिंग, आई एम जस्ट कन्फ्यूज अबाउट हाउ दिस एन पी एम टी विल वर्क, इफ जस्ट वॉन्ट टू फ्लाई अ मेविक एयर टू ड्यूरिंग माई फ्रेंड्स ट्रिप से ऑन गोवा बीच, इट वॉन्ट टेक ऑफ विदाउट परमिशन, राइट? डज इट मीन दैट इवन फॉर पर्सनल यूज माइक्रो ड्रोन नीड परमिशन बाई डिजिटल स्काई? ब्रो इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन इट विल बी ग्रेट, थैंक यू। मिस्टर सागर दानी, डेफिनेटली यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट एन पी एन टी ऑलरेडी, कि इट इज़ द थिंग एट यू कैनॉट टेक ऑफ विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वाया एन ऐप। नाउ द सिनेरियो इज दैट ऐप इज नॉट रेडी राइट नाउ, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एनी बडी राइट नाउ, नंबर वन। सो दिस सिस्टम हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। इफ यू हैव डीजे ड्रोन यू कैन स्टिल फ्लाई, राइट? There are some geo fencing restrictions, means there are some restrictions in the app itself which it don't allow to fly and take off in near the airports and all that. That you can't do. You can't fly in those areas. That is already done by DJI. Number 3 point, when DJI will start this thing? So, as far as information, latest information is this: DJI has not initiated anything, so that government should come and do some cooperative or some memorandum should be signed between these two. So that is awaited. So if something happens like that, now it is a Chinese company and you know the what is happening at the border. So it will take a lot of time. So let's see, wait for that. If it happens, I'll let you know. How to travel with drone in airplane? माजर अलम, इस पर मैं बहुत बता चुका हूँ वीडियो कि प्लेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत जहाँ पर बैन एंड ड्रोन एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेन इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी से सफ़र करें, ट्रेन से सफ़र करें, नो प्रॉब्लम। एयरप्लेन में करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। छोटा ड्रोन होगा तो वहीं वो डिसमेंटल करके आप इधर उधर ले जा सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम कैन बी देयर। रंगम जी कह रहे हैं, बालकृष्ण रंगम, हेलो सर,
कैन वी फ्लाई डी एम इन टू बिलो 25 मीटर्स फ्रॉम लोकेशन लाइक फ्रॉम हिल टॉप टू हिल टो. वाह व्हाट अ क्वेश्चन. सी एज फार एज रेंज जो होता है ना उसका बेसिकली द थिंग इज इट इज कनेक्टेड बाय योर वाईफाई सिग्नल राइट. एंड इफ इट इज अ ऑक्यू सिंक देन इट इज अ रेडियो सिग्नल. सो इन बोथ द टेक्नोलॉजीज एज फार एज योर एंटीनाज आर इन कनेक्शन विद योर सेंसर्स ऑफ ड्रोन यू कैन फ्लाई एनी वे. बट वॉट विल हैपन इफ यू गो डाउनवर्ड्स राइट. सो वॉट विल हैपन द सेंसर विल बी इन्वर्टेड राइट एंड योर एंटीनाज आर लाइक अपवर्ड्स एंड ड्रोन इज लाइक गोइंग डाउन. सो एट वेरी अल्टीमेटली वॉट विल हैपन इट विल लूज कॉन्टैक्ट विद योर रिमोट. सो डोंट ट्राई दिस. ओके डीजी मैं मिनी टू ड्रोन बिहार में कहाँ से लें. मिनी टू मतलब क्योंकि 15 मीटर के ऊपर जाएगा नहीं तो मिनी कहाँ कहीं से मिल रहा है तो वो लीची ऐप से उड़ रहा है तो वो आप ले सकते हैं. वेडिंग फोटो सर आप ड्रोन स्टोर खोलिए बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये वेडिंग फोटो स्टूडियो वाले कह रहे थे. अनिल कुमार पुरी नाइस वीडियो सर मेरे पास भी मैविक मिनी है और मुझे मैविक प्रो लेना है आपकी शॉप से. सो प्लीज़ आप शॉप ओपन कीजिए. शॉप में डीजे ड्रोन की ऑल एक्सेसरीज रखें. बहुत बढ़िया सुझाव दे रहे हैं. आपके मुंह में घी शक्कर जैसे खुलेगा मैं आपको बताऊंगा. रंजित जी कह रहे हैं सर जी मैंने न्यू ड्रोन लेना है डीजे फेंडर 4 प्रो पंजाब कितने मिल सकता. ब्रो पंजाब में ना हजे इन डीलर्स है नहीं है राइट नाउ. मैं थोड़ा सुजैसट करूँगा गो टू दिल्ली. दिल्ली में थोड़ा मिल सकते हैं या थोड़ा होर ट्रैवल कर सकते हो तो मुंबई वाली साइड चले जाओ उत्थे थोड़ा वधिया डील मिलेगी. पंजाब साइड हजे है नहीं इन डीलर्स फ्रेंकली स्पीकिंग. लुधियाना वगैरह इस पहले से हूँ किसी को पाया हो बड़ा चैक करके लेना पैना. बट ब्रांड न्यू मैविक एयर टू या मैविक प्रो वाले जोड़े है या जिमें कह रहे हो फैंटम 4 प्रो लेना वो चांस घट है मिलन का पंजाब साइड. बाकी दिल्ली अगे चले जाओ अपना मुंबई उस साइड पर तो मिल जाएगा 100% शोरूम ड्रोन. थैंक यू गणेश जी. अजीज थैंक्स फॉर गिविंग मी सोल्यूशन एंड योर वीडियोज आर वेरी इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू अजीज जी. समीर पटेल हेलो सर आई हैव बाय डी जी आई मैविक मिनी 2 कॉम्बो पैक for a private shoot of family wedding which was on 10th January. Now I want to sell it. People who want to buy can call me. Okay, Mr. Sameer Patel is selling Mini 2. So if you want to buy, you can buy it if you are satisfied with 15 meter range of altitude. Vasant Mani, yes, thank you. Ajitesh Kumar, thanks sir for the information. Sir, will DJI Spark would be a better choice than Mini or Mini 2? सी इफ मिनी इज अवेलेबल देन गो फॉर मिनी. यू कैन फ्लाई मिनी विद लीची. और अगर मिनी अवेलेबल नहीं है और स्पार्क अगर मिल रहा है तो स्पार्क आप ले सकते हैं. इट इज अ गुड ड्रोन. मेरे पास भी था मैंने अच्छे से यूज करके उसको बेचा. वेरी नाइस ड्रोन वेरी नाइस फुटेज. मुझे मैविक एयर ड्रोन लेना है तो कैसे लें. मैविक एयर अगर पुराने वाला लेना है तो आपको सेकेंड हैंड मिलेगा क्योंकि फर्स्ट हैंड बहुत मुश्किल है मिलना. सेकेंड हैंड चाहिए तो आप बताएं कमेंट्स में. आई विल बाय फ्रॉम यू. थैंक यू राय साहब श्री राम राय. वसंत माने कैन यू मेक वीडियो ऑफ मैविक मिनी विदाउट GPS. ये थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या कह रहे हैं आप. मैविक मिनी मैजिक मिनी विदाउट GPS. सर आप ड्रोन बेचोगे मैं लूंगा ड्रोन. सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ये देख के मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी मुझे खोलना पड़ेगा. मैविक मिनी टू रिपेयर कहाँ होते हैं. गिम्बल प्रॉब्लम देखिए एक्चुअल में जो DJI के जो स्टोर्स हैं रिपेयर सेंटर हैं वो बाहर है इंडिया में. फिर भी कुछ उन्होंने रिक्रूट किए हुए बंदे इंडिया में उनकी साइट पर आपको मिलेगा. तो वो अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि ठीक हो जाएगा कोई स्क्रू ढीला है या ऐसा सिंपल आपको लेमैन भाषा में बता रहा हूँ ऐसा कुछ फॉल्ट है या कुछ तार पुल हो गई पुश हो गई तो वो जोड़ देंगे. अगर आपका स्पेयर पार्ट कोई प्रॉब्लम है पुर्जा खराब हो गया तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम है. वो फिर वहाँ से आएगा तभी बदलेगा या ड्रोन वहाँ जाएगा बाहर तब होगा. तो ये चीज़ है. आर्यन जी कह रहे हैं सर प्लीज एडवर्टाइज अस वी आर डूइंग रिपेयरिंग एंड सेल्स ऑफ ड्रोन्स इन छत्तीसगढ़. एडवर्टाइज तो आपने आप क्वेश्चन पूछ लिया है मतलब एक लिख दिया. आई हैव रिटन इट आई हैव रेड इट एंड यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ. तो आप डिटेल में बताएं मुझे तो मैं आपका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो हमें मुझे भी थोड़ा पता लगेगा कि आप जेन्युइनली क्या क्या करते हैं और हाउ यू रिप्लेस पार्ट्स एंड ऑल दैट. एंड डेफिनेटली आपके ऊपर एक वीडियो बनेगा तो थोड़ा आप ईमेल में मुझे डिटेल बताएं.
राहुल शर्मा जी, हेलो सर, कैसे हो आप? राहुल जी, सर जी गुड है, आप अपना स्टोर खोलिए, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज करूँगा इसी बहाने आपसे फेस टू फेस। थैंक यू वेरी मच। अलॉट पर्सन आर सेइंग कि आपके शॉप से लेंगे जब खुलेगी तब ज़रूर। अशोक प्रधान जी कह रहे हैं सर मिनी टू पर्सनल यूज़ के लेना चाहिए, पर्सनल यूज़ अगर आप 15 मीटर से सेटिस्फाइड हैं हाइट से तो ले लें, नो प्रॉब्लम। रेंज टेस्ट कह रहे हैं ज़रूर ज़रूर। 3500 के अंडर बेस्ट ड्रोन अशी जी, उसमें तो टॉय ड्रोन आएंगे। एंड योगेंद्र सिंह, आई जस्ट बॉट मैविगेटर टू विदाउट विल एंड वारंटी, कैन आई बी इट बी रजिस्टर्ड? इफ यस, शैल आई रजिस्टर इट फ्रॉम द DGCA ओनली? वन थिंग मोर, कैन आई कैरी इट इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स? योगेंद्र जी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी इट इफ इफ सम कस्टम्स कैचेज यू, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बट बी केयरफुल। ट्रेन्स आर वेरी सेफ टू कैरी द ड्रोन्स इन इंडिया, ठीक है? एंड सेकेंडली, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ, बट यू कैन एनलिस्ट योर ड्रोन फॉर श्योर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आप इसके अलावा आपके पास कोई नए क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लेंगे, तो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।